इस काम की तरफ मेरा मियाँ ही मुझे लेके आया था। घर में दोस्त वगैरह ले आता था, उनके साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ करवाना काम। मैं अपने घर वालों से भी नहीं कभी मिली। मुझे सर 4-5 साल हो गए हैं। कमाया तो बहुत है लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ज़िंदगी ख़राब हो गई है सर। ना बच्चे है, ना मियाँ है, ना घर है। बहन भाइयों के पास मैं रहती नहीं हूँ, ना वो रखते हैं। बस इस वजह से किसी के पास भी रहती हूँ तो ये करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, मैं गुजर रहा था रास्ते से कि मुझे एक जिस्म फरोश खातून मिली जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई मुझे। मेरा दिल चाहा कि मैं आप तक ये पहुँचाऊँ, आपको पता चले कि किस मजबूरी से गुजर कर ये जिस्म फरोशी की तरफ आते हैं और किस तरह से ये अपना जिस्म फरोश करती हैं, किस तरह से ये मर्दों के पास जाती हैं, रेट्स फिक्स करती हैं। और कोई अमीर आ जाए तो उससे 2,000, 5,000, 10,000, कोई गरीब हो तो उसको 100-200 में भी फ्री कर देती हैं। जानते हैं, ये मेरे साथ गुलशन मौजूद हैं। गुलशन रावी में ही खड़ी हैं और इनसे जानते हैं कि ये काम किस तरह से इन्होंने शुरू किया और इनको कितना कमाने को मिला और इनको इस काम की तरफ लाया कौन था, क्या मजबूरी थी कि इनको इस तरफ आना पड़ा। गुलशन, कैसी हो? ठीक हूँ जी। गुलशन, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस काम की तरफ लाया कौन आपको? इस काम की तरफ मेरा मियाँ ही मुझे लेके आया था कि वो अपने कामों में मसरूफ रहता था। मुझे कहता था, नशे वगैरह करता था, मुझसे काम नहीं होता, मारपीट मुझे इतनी करता था ना कि खुद भी कभी घर में दोस्त वगैरह ले आता था, उनके साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ करवाना काम। मैं घर वाला कौन सा काम करवाना? ये लड़के वगैरह अपने दोस्त वगैरह घर में ही ले आते थे, कमरे में मुझे घसीट देना जो मार पीट के, तो वो भी शराब वगैरह नशे में धुंध होते थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर लेना, मिल के डिस्चार्ज वगैरह हो के चले जाना। मैं अपने घर वालों को बता नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पे तशद्दुद बहुत ज़्यादा वो करता, तो मैं भाग आई उधर से अपने मियाँ से। फिर मैं अपने घर वालों से भी नहीं कभी मिली। 4-5 साल बाद उनसे मिली हूँ। जब अम्मी फौत हुई है ना, तो उसके बाद मैं नहीं उनको मिली। फिर मैं इसी दलदल में रही हूँ, निकली हूँ इस दलदल से 2-3 दफ़ा। गुलशन, मुझे बताओ कि इस काम की तरफ कौन लेकर आया था, किस औरत ने आपको कहा था कि इस काम की तरफ आओ? औरत दरबार से मुझे लेकर गई थी। कौन से दरबार से? दाता साहब। अच्छा, दाता साहब से लेकर गई आपको कहाँ पे? ये चुंगी पे लेकर गई थी, चुंगी अमर सदू जी। तो पार्कों में लेकर जाती थी, गुलशन पार्क ये वो पार्कों में ऐसे काम करवाना, रोड पे करवाना, बस इस वजह से फिर मैं इस काम में पड़ गई। उसने कैसे बताया आपको कि आपने ये काम करना है? वो मुझे पास खड़ा करती थी, जब खुद करती थी मुझे पास खड़ा करती थी कि ऐसे करना है। अच्छा। तो फिर मैं उसको देखती थी, मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा सर दुख होता था। गुलशन, कितना अरसा हो गया ये जिस्म फरोशी पे? मुझे सर 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। हाँ जी। तो इसमें कितना पैसा कमा लिया? कमाया तो बहुत है लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ज़िंदगी ख़राब हो गई है सर, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सब वो खुद ही खा जाते हैं पैसे। कौन खाते हैं? जिनके पास काम करती हूँ। क्यों, वो क्यों खाते हैं? अकेली हूँ ना, बच्चे भी नहीं है, ना घर है, ना मी है, तो जाना किसके पास, खिलाना किसको? मुझसे इंटरव्यू नहीं दिया जाना सर। हिम्मत करो, हिम्मत करो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आप आती हो रात के टाइम कितने बजे आती हो? 7-8 बजे आ जाते हैं। किस तरह से डील्स करती हो लोगों के साथ? खुद पास देनी पड़ती हो। अच्छा। काम करना है, मिलना है हम लोगों ने। तो कोई कहता है नहीं मिलना, कोई कहता है मिलने, इतने पैसे देते हैं तो मिल लेते हैं सर। कितने पैसे देते हैं? 500 भी ले लेते हैं, 400 भी ले लेते हैं। कोई अच्छा लगे मीरजादा हो तो पीरजार 1500 भी एक शॉट का ले लेते हैं। ये शॉट क्या होता है? व्हाट इज शॉट? ये शॉट होता है जब आदमी हम लोगों को मिलता है ना तो डिस्चार्ज हो जाता है सर, इसे हम शॉट कहते हैं। तो कितने शॉट हो जाते हैं तकरीबन रोज़ के? तकरीबन 10-8,
6-7-8 मर्दों को घेर लेती हो आप? हाँ जी, तो उनसे फिर घेर के उनसे पैसे लेके तो काम वगैरह उनका करते हैं। आपको घर लेके जाते हैं या रोड्स पे? बस इधर पार्क में ही हम लोग दरख्त के आसपास छुप के कर लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। पूरे कपड़े उतारती हो? नहीं, पूरे कपड़े नहीं उतारते, बस थोड़े उतारते हैं, पूरे नहीं उतारते। क्या उतारते हो? सलवार सर बस उतारते हैं। कोई देख ले फिर? कोई देख ले तो फिर भाग जाते हैं। पुलिस वालों ने कभी रोका? हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या करती हो? पुलिस वालों ने पकड़ लेते हैं और बाद में कोई खर्चा वर्चा लेके छोड़ देते हैं। पुलिस वाले मजे नहीं लेते? नहीं, पुलिस वाले अक्सर कहते हैं कि आ जाओ, कि आ जाओ। हाँ। ना जाएं तो फिर बदतमीजी करते हैं, फिर कहते हैं इधर ना आओ, हम लोग आप लोगों को काम नहीं करने देंगे। बाज़ पुलिस वाले तो हमें इधर ही मिल के चले जाते हैं। अच्छा। तो बाज़ बुलाते हैं हमें होटलों पे, लेकिन हम नहीं जाते, फिर हमें इधर आके तंग करते हैं। कभी किसी आदमी ने बेदर्दी के साथ आपको नोचा हो? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। पैसे टाइम पे देते हैं? हाँ जी, पहले हम पैसे लेते हैं ना, बाद में हम शॉर्ट करते हैं, पहले हम शॉर्ट नहीं करते। अच्छा, पहले पैसे लेती हो? हाँ जी, पहले पैसे लेते हैं। अगर जो कोई कहे उधार कर लो फिर? नहीं करते। कोई बच्चा आ जाए आपके पास फिर कर लेते हो? कई बच्चे आ जाए तो उनको हम भगा देते हैं कि हम इनको खराब नहीं करना चाहते। कितने साल के मर्द के साथ करते हो? यही 25 साल का, 30 साल का, 28 साल का, इतनी एज का हो तो करते हैं। 20 साल की एज तक हम कर लेते हैं। 17, 18, 16, 15 एज का लड़का हो तो नहीं करते, नहीं मिलते। कभी कोई नेक बंदा नहीं मिला जिसने बास किया हो इस काम के लिए कि ना करो ये काम, छोड़ दो, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, कुछ ऐसा नहीं हुआ? मिलते हैं, कहते हैं, रखते हैं निका, बस यही लारा देते हैं, हम शादी करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, इतनी तकरीबन 6-7 माह गुजर जाते हैं ऐसे लारे लगाते लगाते। उसके बाद खुद ही काम में डाल देते हैं, या अपने मज़े पूरे करके खुद ही छोड़ देता है, या इसी काम में डाल देता है कि मैं नहीं शादी कर सकता, मेरी मजबूरी है, ये वो। फिर हम लोगों को उससे दूर होना पड़ता है कि इसको कमा के देना है, अजियत भी उठानी है, टेंशन भी लेनी है, तो फिर आदमी से अलग ही अधूरी अच्छी है। गुलशन, इस काम को छोड़ क्यों नहीं देती? क्या वजह है, क्या मजबूरी है कि नहीं छूटता ये काम? किसके आस पे छोड़े सर, कौन खिलाए? जिसके पास भी रहते हैं वो, मैं आप लोगों को बहन भाइयों के बारे में नहीं बता सकती कि मैं उनके पास क्यों नहीं रहती, किस वजह से। बता दो थोड़ा सा मुझे। वो बताऊंगी, बस अभी नहीं मैं बता सकती। थोड़ा सा बता दो, हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए इसी इंटरव्यू के बाद। सर अभी मैं अपने बहन भाइयों को इसके अंदर नहीं लेके आना चाहती। क्यों नहीं लाना चाहती? क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं ये काम कर रही हूँ। हाँ जी। अम्मी अब्बू कहाँ पे हैं? अम्मी नहीं है, अब्बू हैं, वो कसूर में रहते हैं। अब्बू को भी नहीं पता? नहीं, किसी को नहीं पता। तो पता किसको है? घर वालों को किसी को नहीं पता, बस एक बहन है उसे पता है, तो वो मना करती है, लेकिन मैं कैसे मनाऊं, किसके साथ पे जाके। बाज दफ़ा आप घर भी जाती होगी जाती। तो काफ़ी दिन गुजर जाते होंगे, दिल ललचाता होगा कि मैं ये काम करूं, मैं जल्दी से जाऊं बाहर। नहीं सर, घर आदत नहीं हो जाती? मैं घर नहीं जाती, घर जाती ज़रूर हूँ, एक दो दिन रुकती हूँ बहन भाइयों के पास। अच्छा। तो फिर मैं वापस आ जाती हूँ। इस आदत को ख़त्म नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, कोई अच्छा आदमी ज़िंदगी में आ जाए ना, समझने वाला, ताने ना देने वाला, तो फिर तो इस ज़िंदगी से निकल सकते हैं। इतनी तकलीफ़ देती हूँ अपने जिस्म को, तरह तरह के लोग आते हैं जिस्म नोचने के लिए, दर्द नहीं होता? दर्द तो होता है, लेकिन दर्द किसको दिखाएं? कोई दर्द देखने वाला है तो दिखाए ना। ये लोग हैं ना जो मिलने आते हैं, ये तो बातें बनाते हैं, ये गश, इनको शौक है, इनको ये है, इनको वो, लेकिन शौक से सर कोई भी यहाँ पे नहीं आती, अपनी मजबूरियों से आती हैं, मजबूरियों से करती हैं, पता नहीं क्या क्या मजबूरी होती है। मुझे तो वैसे कोई ख़ास मजबूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तनहा हूँ, अकेली हूँ, ना बच्चे हैं, ना मियाँ है, ना घर है, बहन भाइयों के पास मैं रहती नहीं हूँ, ना वो रखते हैं, बस इस वजह से किसी के पास भी रहती हूँ तो ये करना पड़ता है। बच्चे क्यों नहीं हुए?
पता नहीं क्या हुआ है, किसने मेरे ऊपर कुछ किया कि ना मेरा घर बसता है और ना मेरे बच्चे होते हैं। बस सर इतना ही है, मैं और कुछ नहीं बताना चाहती आप लोग। मैं बहुत से चैनल्स वालों ने पीछे पीछे भाग के इनके पीछे इंटरव्यूज किए, मैंने उस तरह से नहीं किया, आराम से आया, इनसे बात की। मैं जानना चाहता था मजबूरियाँ क्या हैं। आपने जान ली कि इनकी क्या मजबूरी थी, क्या वजह बनी, घर वालों ने सहारा नहीं दिया, तन्हा हैं, तन्हाई ने मजबूर किया है कि ये आएँ पार्ट्स में आएँ और लोगों को मज़ा करवाएँ। इनकी ज़िंदगियाँ भी बदली जा सकती हैं, इनकी ज़िंदगियाँ बदलने वाले हम ही होंगे अगर हम ही इनको मुख्तलिफ़ नामों से पुकार के और फिर हम ही इनके पास आएँ मज़े लेने के लिए। अफसोस की बात है, ये भी हमारे मुल्क की शान है, इनको कोई लेकर आया इस तरफ। आपने देखा, आपने सुना कि इनको दाता दरबार से उठाया गया है, वो औरत दाता दरबार से लेकर आई है इनको और फिर इनको इस काम पे लगाया है। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। दाता दरबार, नाम सुन के रूह कांप जाती है और उस जगह से इनको यहाँ पे लेके आया गया है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज आपके सामने लेकर आऊँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।